What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to a brand new title, Gotham Knights. So, आज से हम यहाँ पे नई गेम की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिस गेम का नाम होना है गोथम नाइट। तो ज़्यादातर लोगों को इस गेम के बारे में पता होगा, ये एक डीसी की गेम है और यहाँ पे हमें डीसी के कुछ सुपर हीरोज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चार डीसी के में सुपर हीरोज जो हमें यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, हमें चार सुपर हीरोज यहाँ पे दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो उनमें से हम देखते हैं, यहाँ पे टैप दिस टू कॉल अ बैट साइकिल। अच्छा ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जो टिप्स विप्स यहाँ बताई जा रही है। तो चलो देखते हैं कि इस गेम में हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे जो गॉथम सिटी है, हमें वहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे उस सिटी में यहाँ पे जो क्राइम्स है, हमें क्राइम्स को रोकना होगा और साथ में यहाँ पे कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सुपर विलन्स हमें उन्हें भी रोकना होगा। यहाँ पे अभी हम ना बैट गर्ल को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, उन चार में से किसी एक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी बैट गर्ल को सिलेक्ट करा है कि बैट गर्ल को हम यहाँ पे कंट्रोल करने वाले। सो लेट्स सी कि बैट गर्ल के साथ यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस जो है कैसा रहता है। सो आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो इससे तो हो गया, बट हमें करना क्या है। तो यहाँ पे रेड हुड हमें बता रहा है कि कुछ चीजों के बारे में यार, बट शायद से हमें इस गेट के अंदर जाना, बट ये गेट तो लॉक्ड है ना, ऊपर की साइड है ना कुछ। वेट, हमें पे आ रहा है ना, होल्ड दिस एंड ए टू क्लाइंब। अच्छा ठीक है, ओके समझ गया। अभी हम गॉथम यूआई कुछ ऐसा बताया जा रहा था, अभी हम वहां पे हैं, हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं भी हम यहाँ पे करने ही क्या आए हैं। सही बताऊं तो अभी तो हमें ऊपर ही जाना है। तो ये अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा खराब चीजें तो नहीं है अभी तक फिलहाल, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से भी मूव कर रहा है। और यहाँ पे किसी की तो कोई डेड बॉडी, यहाँ पे पॉजिटिव आईडी ऑन द फैकल्टी डूड क्रिक नाम का ये बंदा है जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है उसे। और आप में जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो साथ में चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमें पे करने क्या है, मेरे को तो ये भी नहीं पता। एंड एम विद राइट, हमें एम करना, मेरे को करना क्या है, मुझे समझ नहीं आया। वेल आवर नोस हैड हिज ऑफिस ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ मोल्टन हॉल। प्रेस टैप दिस व्हेन यू सी अ कटल टू लेफ्ट। अरे कोई ये समझ आ रहा है, जो ये आर लिखा हुआ है, एम विद आर, तो ये क्या चीज है ऐसे कंट्रोल। ये तुम्हारी हेल्थ वेल्थ का हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इसकी हो गई, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट जो ये आर है ना, आर मेरे को समझ आ रही है कि मैं आर बटन अगर प्रेस भी करता हूँ तो आर बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये आर बटन कौन सा बटन है यार, वेट लेट मी सी। आर बटन जॉयस्टिक का तो आर बटन नहीं हो सकता ना, हाँ वाला नहीं है, वो तो काम भी नहीं कर रहा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे फैमिलियर हो जाता हूँ मैं सारे सारे बटन के साथ। ये वाला तो हमारा चलो पोज वोज के लिए ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट वाले जिसमें सारे सारे एबिलिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं हमें जैसा जैसा चाहिए। हमारा एक फोटो मोड भी है हमारे पास एक। बट ये जो आर है, मेरे को आर समझ नहीं आ रहा, ये आर बटन कौन सा बटन होता है। ओ वेट, ये आर बटन मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा गाइस, ये आर बटन कौन सा। मैं काम मतलब ये बार जरा मैं चेक करता हूँ कि बटन है कौन कौन से, पता नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आर बटन है कौन सा जिसका हमें यहाँ पे एम करना है। ये बटन ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके, हमें आर बटन यहाँ पे हमारे जॉयस्टिक का ही था वो। मैं यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे फालतू में कर रहा था। जैसे हम देखो यहाँ पे, देखो ये रहा जॉयस्टिक हमारा यहाँ पे। अब इससे और कहीं तो मैं अभी शायद नहीं जा सकता हूँ, तभी और कहीं हमें ये नहीं दिखा रहा है। चलो अभी अगर पीछे आप देखूँ क्या, मैं वहाँ पे शायद ग्रैपल नहीं करता अभी। चलो ठीक है, अभी हम कहाँ पे, सर्च फॉर लैंगस्ट्रॉम ऑफिस। चलो आप देख के आते हैं यहाँ पे इसके ऑफिस में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। Here's his office. Wait, so office कहाँ गया? अच्छा ये रहा ना ऑफिस, मैं इसको पहले क्रॉस कर गया। वो ये कैसा ऑफिस है, पूरा पूरा यहाँ पे हर तरफ यहाँ पे सारा सामान ऐसे फेंका गया है। टैब, एंड स्कैन ऑब्जेक्ट में नीचे की साइड कुछ तो यहाँ पे स्कैन हो रहा है ना, ये देख रहा हूँ। मेरे को आइडिया नहीं क्या चीज है इसकी, तो ये पता नहीं, मैं बार बार क्यों खोल दे रहा हूँ। बट स्कैन करो इस वाले एरिया को, देखो क्या ये इधर फुटप्रिंट्स है शायद किसी के ना। हमें क्या इसी को फॉलो करना है क्या शायद से। और देखें ये तो इधर की साइड है। Our professor is very dead.
I'll let you know when I find the crime scene. Good. Well, not good exactly, but at least a lead. The real challenge will be getting out of here without the cops finding me. Good luck. इधर जा रहे हैं जैसे तुम मेरे को अच्छा इधर की साइड जा रहे हैं ना पैरों के निशान This must be where Langstrom died. क्या देखा यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ ये हाँ way too fast. ये रहे वो जो पैरों के निशान यहाँ पे हमें जाते हुए दिख रहे हैं Langstrom must have been working when he was attacked. Significant blood loss here. यहाँ पे लैंगस्टर का काफी ज्यादा ब्लड है और यहाँ पे कोई घसीटता हुआ शायद से लेके भीग गया है या तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था फिर यहाँ पे उसे दीवार में ले जाके मारा है जो भी था इसे मारने के लिए आया था यहाँ पे कोई टाइप के सुपर विलन होंगे यहाँ पे But he tried to get to that cabinet instead of the door. What was so important? हाँ तो उस कैबिनेट में शायद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है जो वहाँ पे कैबिनेट में हुए ना एंड ये रहा कुछ स्कैन ऑब्जेक्ट ये तो नीचे रेड है इसको तो हमें लगता नहीं कुछ काम की चीज होगी है वो हिडन मैकेनिक व्हाट सीक्रेट्स वर यू कीपिंग डॉक्टर लैंगस्ट्रॉम मेरे को करना क्या उस डोर तो जाऊं कैसे मैं तो देखो हिडन डोर तो इधर की साइड कहीं पे मार्क हो रहा है बट उधर तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ना चलो इधर की साइड देखते हैं इधर क्या क्या चीजें हैं तो इन्वेस्टिगेट क्राइम सीन्स अच्छा बेटा मैं इधर करना क्या है ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको पहले स्कैन करके देखूं क्या वाई टू सॉल्व इट एक्स टू मार्क इट ठीक है एक्स से मार्क होगा वाई से होगा लुक करने के लिए ठीक है अ फोन नंबर बट दैट्स नॉट अ गॉथम एरिया कोड कुड बी यूजफुल 127 और ये क्या है ग्रे गोस्ट में यहाँ पे कुछ तो डेट है 4/11/1992 का है ये पता नहीं कब का ये A movie poster in a science lab. Maybe the release date is important. यहाँ पे तो a microwave. I hope Langstrom wasn't combining burritos with genetic specimens. एक मिनट जाओ. A thermostat would be a clever place to hide a key. इसको क्या करना है मेरे को मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है X2 market. But इसको mark कैसे करूँ मैं मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ mark तो mark हो नहीं रहा Y to solve में तो देखो कुछ और बचता नहीं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो Y से सॉल्व तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला देखो ये तो पक्का है ये जो माइक्रोवेव है इसको मार्क कर लेता हूँ और कुछ है यहाँ पे जिसको हम एक्सप्लोर करना रह गया हो मेरे को लगा सब कुछ यहाँ पे हमने कर लिया तो चलो बाहर आओ नहीं अभी इन्वेस्टिगेट करना है हमें कुछ तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है ये है जो इसको हमें सॉल्व करना है बट सॉल्व शायद से इसे नहीं कर पाऊँगा ना मैं हाँ इसे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा मैं और यहाँ पे नहीं मैं इसे भी नहीं कर पा रहा हूँ सॉल्व मतलब ये क्या चीज़ है मेरे को समझ नहीं आ रहा है सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का आ रहा है डेट्स गुड ओके मैं इसको ओ मार्क हुआ ना अच्छा ओके ओके मेरे को समझ आया मैं यहाँ पे इसको भी मार्क कर लो इनको भी मार्क कर लो और इसको भी मार्क एंड इसको भी मार्क शायद अब हो गया ना शायद से इसे हमें सॉल्व करना है ना तो सॉल्व करो इसे ठीक है अब इसको Time to see what Langstrom was so desperate to hide. हमें यहाँ पे ओपन कर दिया है वो सीक्रेट डोर जहाँ पे लैंगस्ट्रॉम ने शायद से कुछ चीजों को हाइड करा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो विलन्स थे वो उसको मारने आए हैं ना यही हो सकता है और किस लिए आए होंगे विलन्स इसको मारने के लिए बट तो जंप वाली जंप मेरे को लगता नहीं है वो यहाँ पे मारेगा लैंगस्ट्रॉम वाली जंप चलो तो आगे देखते हैं आगे यहाँ पे काफी मजेदार चीज लग रही है आगे साइड What on earth were you up to? अरे ये क्या चीजें यहाँ पे हर तरफ इसके अंदर तो इसने कुछ एनिमल्स की स्पीसीज को रख रखा है नॉट श्योर कि एनिमल की स्पीसीज क्या चीज है यहाँ पे देखो हर तरफ है यहाँ पे और यहाँ पे शायद से कुछ यहाँ पे शायद से कुछ करता था किसी के ऊपर एग्जामिन वगैरह में और सामने अगर देखोगे तो यहाँ पे ना जो ह्यूमंस के लंग्स हैं और जो शोल्डर है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें तो यहाँ पे एग्जामिन ही कर रहा है एरिया स्कैन कर देखो ये क्या टिश्यू सैंपल इसको इसको स्कैन करके देखिए क्या नहीं ये स्कैन नहीं हो रहा ना लुक फॉर एविडेंस सामने इसका यहाँ पे एक सिस्टम दिख रहा है मुझे शायद इसके बाद यहाँ पे कुछ मिला है हार्ड ड्राइव आई नीड टू गेट दिस बैक टू बेलफ्री देन आई कैन फिगर आउट योर सीक्रेट्स लैंगस्ट्रॉम चलो यहाँ से निकलते हैं बाहर ऑन माय वे बैक इसको भी एग्जामिन नहीं कर रहा ना टन ऑफ एविडेंस वियर्ड मार्क्स ऑन द वॉल्स एंड अपेरेंटली लैंगस्ट्रॉम हैड अ सीक्रेट लैब चलो चलते हैं होपफुली दिस हार्ड ड्राइव आई फाउंड विल हैव मोर आंसर्स लैंगस्ट्रॉम का यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो मिस कर नहीं पता बट चलो यहाँ पे बाहर से देखते हैं यहाँ पे रेड हुड ने भी शायद से कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाया रेड हुड को भी कहीं कोई लिफ्ट है क्या ओ लिफ्ट नहीं है अरे इसको ऊपर कैसे जाऊँ मैं
तो हमें ग्रैपल करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, यहाँ पे पुलिस आने वाली है तो थोड़ा मेरा ध्यान से जाना पड़ेगा बाहर की साइड में, क्योंकि एग्जिट के हम डायरेक्ट इसी डोर से मारने वाले हैं क्या? मुझे लगता है एग्जिट हम डायरेक्ट इस डोर से नहीं मारेंगे। पर चलो हमें क्या है, शायद से हमें पुलिस वालों से लड़ते हुए जाना होगा। ग्रेट, शायद बाहर में तो बेल की आवाज आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग तो हैं जो यहाँ पे सारा का सारा सामान ना आसपास तोड़ रहे हैं। लो उन्होंने गाड़ी को ही बंद कर रहे हैं। गॉथम सिटी यूनिवर्सिटी की गाड़ी है ये। मुझे नहीं पता मैं लड़ना किससे है। ठीक है, वो क्या है? With Batman missing, gangs have become more aggressive. It was only a matter of time before the freaks. तो यहाँ जब से बैटमैन यहाँ पे मिसिंग हुआ है ना, तब से यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादा chaos मिल चुका है सिटी में। ये देखो, इनको देखो सामने। यार पूरा का पूरा बर्न करने के इरादे में यार ये। ऊपर है क्या? Let's see, हाँ ऊपर की साइड ही है। कौन ये तो आगे तो ऐसे ज्यादा है, मेरे को एक ही होंगे। अरे ये कहाँ जा रही है? पीछे पीछे, बहुत पीछे भी देखो। मेरा यार चारों को मार देना। हाँ क्लियर आउट द फ्रिक, चारों तरफ फ्रिक्स को मैं मार चुका हूँ। और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो यही है। चलो मेरे को लगता है वेट बाहर क्यों नहीं निकल रहे सीधा। चलो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एनिमीज हो रहे हैं, ये रहे एनिमीज। बट क्या इन पर डायरेक्ट मुझे जमाना है क्या? नहीं, वही मैं सोचूँ मैं डायरेक्ट तो इन पर नहीं जा रहा हूँ। कैसे? हाँ साइलेंट अटैक्स भी तो मारेंगे यहाँ पे। You're done. ये साइलेंट अटैक था। और धीरे धीरे एक एक के पास चलते हैं। Smash! यहाँ पे एक हो रहा है, एक उसको भी मार देते हैं। अरे अरे अच्छा मैंने यहाँ पे गलत बटन प्रेस कर दिया था, मैं सोचा था हुआ क्यों नहीं। यहाँ पे हम ना गाड़ी को भी अपनी कॉल कर सकते हैं, बट गाड़ी शायद से अभी हम आप कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे शायद ना टाइम पे हम यहाँ पे बैट की गर्ल की जो गाड़ी है हम उसे यहाँ पे कॉल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन करेगा तब हम उस गाड़ी को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। What are they even doing here? वैसे ये हैक होंगी सारे के सारे। पक्का है वो हैक होंगे। हर तरफ ये लोग आग लगा जा रहे हैं इस पूरी यूनिवर्सिटी में, पर क्यों? इसे देखो मोलोटोव जला जला के फेंक रहा है। और इसके पीछे जो और यहाँ पे लोग भी हैं, हॉस्टेजेस भी। हमें तो जल्दी करना पड़ेगा, हमें उन लोगों को बचाना पड़ेगा इन पागल संकी लोगों से। तो थोड़ा साइलेंट अटैक क्या करना, जल्दी से इनको मार दे सबको। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अरे अच्छा मेरे को कुछ एक क्लोज थोड़ी रेंज में भी रहना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ अपना जो थोड़ा रेंज अटैक है तब मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि हमें जब मन करे तब। और हेल्थ फुल कर लेते हैं। यहाँ पे हॉस्टेजेस थे ना, इनको देखो क्या। चलो इनको फ्री कर दें। ये लोग पूरी पूरी इस यूनिवर्सिटी को जलाने लगे। उन्होंने तो गार्ड को यहाँ पे मार दिया। समझा जब इतने पावरफुल लोग यहाँ पे हैं तो गार्ड्स ऐसे क्यों हैं यार? इनके जगह कोई पावरफुल गार्ड्स को ही रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल ही रहेगा। आप लोग क्या लगते हैं? जरा कमेंट से बताना जरा मेरे को।
मेरे हिसाब से जब ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं तो थोड़े से करना चाहिए। वेट 50 एलवी का ये लिखा गया है, हमें ना डिफेंड भी तोड़ना पड़ेगा यार। मेरा ख्याल से स्लाइड मारना पड़ेगा इससे पहले तो। कार्ड ब्रेक कैसे होगा मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं निकला का भाई इतना दिखा रहा है गोल्ड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गया। ओके मैं तब से ना मैं प्रेस कर जा रहा था, मैं ना होल्ड करके रख रहा था। वेट ये तो ऐसे ही मर गया। I'm good. रेड हुड का भाई मैसेज आ गया है, पुलिस आ चुकी है बट रास्ता कहां से है? ये एक एग्जिट का बटन, एग्जिट का पाथ दिख रहा है मेरे को। ओश अब चलो अपने में कट सीन आ गया तो शायद कट सीन में अपने में हाथ यहां से हम एस्केप कर लेंगे। इंडिकेटर लोकेशन यू कैन ग्रैफल टू। अच्छा ये साइड से वो टिप्स दिए जा रहे हैं जो टिप्स हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। अब निकला जाए यहाँ से क्योंकि तो पुलिस अगर हमें देख रही है तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात है। और यहाँ पे हम अपनी एक काम करते हैं गाड़ी को बुलाते हैं। होल्ड करके रखना है क्या? वेट मार्क मेरे को आस पास आत हो रहा है। कॉल बैट साइकिल। अच्छा ये तो काफ़ी अजीब चीज़ है यार, मतलब मेरे को लगा तो कहीं भी हम कॉल करेंगे तो एकदम से आ जाएगी अपनी बैट साइकिल। और ये नहीं बैट साइकिल काफ़ी ब्यूटीफुल बाइक है यार, वो अपने आप जो चल सके वो तो होती ही मज़ेदार गाड़ी है। वेट मेरे को हम निकलेंगे यहाँ पे, स्टैंड क्यों लगा दिया? अभी बाकी है कुछ करना। ओ चलो मेरे को उम्मीद नहीं थी। अरे वेट जीपीएस नेविगेशन स्टीयर के लिए हमें इसका यूज करना है। इजेक्ट इससे मेरे को ये नहीं करना था ना, पहले मैं बस सीख रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी को कैसे कैसे चलाना है मुझे। ये ना इस मार्क के नीचे सारा ज्यादा छुप गया यार, मैं इस मार्क को कैसे हटाऊँ? स्ट्रीट रेंज अटैक एक्सेलरेट। ओ हे गाइस आई गॉट समथिंग हेडिंग बैक टू बैक फॉर नाउ। अरे कोई नहीं, मैं अभी बस टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बाइक अपनी गायब जाएगी? अच्छा मतलब वहाँ पे छुप जाती है तरीके से, बाइक गायब नहीं होती कम्प्लीटली, बट चलो ठीक है हमें समझ गया वहाँ पे हमें करना क्या था। लेट्स गो, शायद हमें रेड हुड के पास ही जाना है। नहीं रीच द बेलफास्ट स्ट्रीट ईस्ट प्लाजा। ओके एक काम बोलते मैं पहले से पहुंच जाता हूँ फिर आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। चलो तो गाइस थोड़े से यहाँ पे जो क्वालिटी ग्राफिक्स क्वालिटी थी ना वो भी यहाँ पे लो हो गई, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे ग्राफिक्स की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो गई और मैं एकदम सही था। ग्राफिक्स की क्वालिटी यहाँ लो थी, थोड़ी सी मीडियम ग्राफिक्स चल रही थी और यहाँ पे हाईएस्ट ग्राफिक्स चल रही थी, रेट रेसिंग सब कुछ ऑन। ऐसा भी था क्या? इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं बताया था, थोड़ा पहले बताता ना लोगों को। ठीक है इन्हीं का हमें यूज तरीके से यूज करना है। डेट्स गुड। और स्पीड ज़्यादा तेज नहीं होती है जैसे बोला तो कुछ यहाँ पे होंगी कुछ बढ़िया तेज एकदम मौत आ जाए। इसे यहाँ पे डिस्माउंट करने का भी एक ऑप्शन दिख रहा है पर मुझे पता नहीं डिस्माउंट का क्या काम है। एंड यह भी तो वो क्या हेलीकॉप्टर में जा लगे हमें हेलीकॉप्टर से यहाँ टकरा जाएंगे, बट हेलीकॉप्टर से यहाँ टकरा जाए हमारे पीछे शायद से पूरी गौतम सिटी की पुलिस लग चुकी है यहाँ पे कि हमने वहाँ पे थोड़ी बहन जगह। ओ नो बे रास्ता दिखा नहीं जाएगा तुम्हें, काफ़ी शार्प करना है मैं पे गिरना चाहिए यार। ये पीछे मार्क्स है नहीं, ये मार्क्स की काफ़ी तो सही है बट मार्क्स एक छोटी सी प्रॉब्लम ही। ये कहाँ पे आ गए हम सीधा? लो पार्टी शायद ये हमारा हाइड आउट है।
तो शायद तुम्हारा यहाँ पे पहला मिशन था या पहला जो प्रोलोग था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मीनवाइल अभी यहाँ पे सारे 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 बात कर रहे हैं आपस में। लेट्स सी हमें क्या करना है कि कुछ यहाँ पे हम हार्ड ड्राइव लेके आए थे ना, याद आया मुझे। देखते हैं इस हार्ड ड्राइव में यहाँ पे क्या क्या डेटा है जिस डेटा की वजह से वहाँ पे उसे मारा गया था। Once we can get at the data, we can figure out what our next move is. I'm going out. I'm not gonna sit and wait for whatever this shit is. We're waiting for intel, Jason. Once we have it, then we'll go. Move. I'm gonna solve this case my way. Stop it! यहाँ पे इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाएगी। Whatever. It's making this harder than it has to be, kid. I guess, since we're waiting anyway, we might as well take another look at what Bruce had on Langstrom. Crap. That must have been the secondary breaker. The primary went out months ago. I thought the backup would hold. I got it. No need. I've put in a small fix. यहाँ पे एल्फ्रेड आ चुका है यहाँ पे वापस। निकल तो कहीं गया हुआ था एल्फ्रेड अभी तक। Wasn't sure you were coming, Alfred. I'll always be here when you need me, Master Mitchell. When any of you need me. I'm glad you're here. As am I, Master Tim. This place does need work. Damn it. We've got activity all over the city. Sweet. Looks like my plan wins. Hold up. We still need the intel. And Alfred can't exactly set this place up alone. Indeed, Miss Gordon. I have a list of supplies we'll need. I could do it on my own, but it would be faster if I had help. You can count on us, Alfred. We'll divvy it up. Let's finish what Bruce started. तो यहाँ पे जो डेटा इस समय यूएस समय पे काफी सारी चीजों के बारे में पता लगा है कि सिटीज में कहाँ का क्राइम हो रहे हैं, हमें सब चीजों के बारे में यहाँ पे आइडिया लग चुका है। सो चलो गाइस इस वाले एपिसोड को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं गौतम सिटी में। और अगर आप लोग एपिसोड अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। और अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज़ को मैं इंप्रूव करूँ वीडियोज़ में अपनी, तो आप कमेंट्स में जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों के ऐसे कमेंट्स सबसे पढ़ता ही हूँ। तो आप कमेंट्स करना, मैं आप लोगों के कमेंट का भी जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे यहाँ पे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।